नमस्कार जी। कभी कभी हमारे पास एक मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, जिसको 2, 3 या 4 मंजिल से कंट्रोल करना होता है। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, यहाँ पे एक सैंपल बनाया गया है। एक मोटर है और उसे 3 अलग अलग मंजिल से कंट्रोल किया गया है। ये हमारी मोटर की MCB है। ये पहले मंजिल का स्विच है, दूसरी मंजिल का स्विच है और ये तीसरी मंजिल का स्विच है। साथ में स्विच के साथ हर एक मंजिल पर इंडिकेशन दिया गया है। अगर हमारी मोटर किसी भी मंजिल से चल रही होगी तो तीनों इंडिकेटर जल जाएंगे, यानी हमें पता रहेगा कि इस समय हमारी मोटर चल रही है और इस पर्टिकुलर मंजिल से मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए मोटर की MCB को ऑन कर देते हैं। मोटर की MCB ऑन हो गई है। अब ये पहली मंजिल वाला हम स्विच ऑन करते हैं। देखिए तीनों मंजिल के इंडिकेटर जल चुके हैं और हमारी ये मोटर को जाने वाली फेस और न्यूट्रल तार है। ये देखिए एक टेम्परेरी मोटर लगी हुई है पानी की। ये देखिए पानी गिर रहा है। अब ये पहले मंजिल के स्विच को हम बंद कर देते हैं। अब दूसरे मंजिल के स्विच को ऑन करते हैं और देखिए मोटर हमारी चल चुकी है। तीनों मंजिल के इंडिकेटर ऑन हैं। ये देखिए पानी गिर रहा है। और अब इस स्विच को बंद कर देते हैं, तीसरी मंजिल के स्विच को कर देते हैं। ये देखिए हमारी मोटर चल चुकी है और ये पानी हमारा गिर रहा है। अब तीसरी मंजिल से मोटर चल रही है। अब इसमें से अगर किसी और मंजिल के भी स्विच को हम ऑन कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे किसी भी मंजिल के स्विच को ऑन कर दें तो कोई फॉल्ट नहीं होगा इसमें। अब ये तीसरी मंजिल से चल रहा था, इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से देखिए मोटर हमारी बंद हो चुकी है। मोटर हमारी बंद हो चुकी है और इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन के साथ साथ देखिए एक इसका डायग्राम भी दिया गया है। अभी इसको हम बता देते हैं। इसका कनेक्शन ज़रा देख लेते हैं इसमें कैसे किया गया है। ये MCB लगी हुई, इसमें फेस न्यूट्रल दिया हुआ है। पीली वाली तार आउटपुट की फेस वाली है। ये दो न्यूट्रल की तारें हैं, एक स्विच बोर्ड के अंदर गई हुई है और एक सीधे जो है ये मोटर के पास आ रखी है। पीली वाली तार सबसे ऊपर मंजिल के स्विच बोर्ड से आई हुई है और मोटर में जुड़ी हुई है। तो देखिए स्विच बोर्ड के अंदर का कनेक्शन क्या है। सबसे पहले हम इस MCB को सेफ्टी के लिहाज से बंद कर देते हैं। ये पहली मंजिल का स्विच बोर्ड है, कुछ इस तरह से इसमें कनेक्शन बना हुआ है। और फिर ऊपर वाली मंजिल का स्विच बोर्ड है, इसमें कुछ इस तरह का कनेक्शन बना हुआ है। ये तीसरी मंजिल का स्विच बोर्ड है, इस तरह से कनेक्शन बना हुआ है। अब हम ड्राइंग से इसको ब्रीफ कर देते हैं कि इसमें क्या हो रखा है। मोटर की तार का कनेक्शन हम खोल देते हैं और फिर आपको ड्राइंग में बताते हैं कि ये ड्राइंग में कैसे कैसे कनेक्शन तैयार हो रखा है। ये देखिए हमारी MCB है, ये फेस की तार है, न्यूट्रल की तार है। ये MCB की आउटपुट है, ये न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल जो है इंडिकेटर को सीधे गई है। तीनों मंजिल के इंडिकेटर के निचले पॉइंट आपस में लूप हैं। ये फेस MCB से जो निकल रही है, इस फेस को तीनों मंजिल के जो स्विच लगे हुए हैं निचले वाले पॉइंट को आपस में लूप कर दिया गया है। साथ में देखिए जो पहली मंजिल के स्विच का ऊपरी पॉइंट है, इससे तीनों मंजिल के स्विच के ऊपरी पॉइंट को लूप कर दिया गया है। और साथ में तीनों मंजिल के इंडिकेटर के ऊपरी वाले पॉइंट को लूप कर दिया गया है। और ये सबसे ऊपरी मंजिल का जो स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट से फेस की तार आ रही है, यहाँ पे मोटर पहुँच रही है। और न्यूट्रल की तार सीधे MCB से आ रही है, ये लोड की तार है। और दूसरी तार जो जा रही थी स्विच के अंदर वो केवल इंडिकेशन मात्र थी, उसमें नॉमिनल करंट होगा, फेस न्यूट्रल मिल जाएगी, मोटर चल पड़ेगी। ये पानी का टैंक है, यहाँ से मोटर पानी लेगी और तीनों मंजिल की टोटियों में पहुँचा देगी, साथ में पानी की टंकी में भी पहुँचा देगी। अब ये कनेक्शन कैसे पूरा होता है, यहाँ से फेस मिला MCB से। अब मान लीजिए इस स्विच को हमने ऑन किया तो ये पॉइंट यहाँ को मिल जाएगा और ये फेस की करंट यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इधर आएगी, फिर ये ऊपर आएगी, ऊपर से आते हुए फिर इधर आएगी और फिर
ये हमारी फेस को पहुंच जाएगी, न्यूट्रल पहले से है, मोटर चल पड़ेगी। अब इसी तरह से अगर इसको हमने बंद कर दिया, दूसरी मंजिल वाले स्विच से चलाना चाहते हैं, जैसे इस स्विच को क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे, ये फेस जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और फिर ऊपर आएगा, ऐसे इधर आ गया और सबसे ऊपर से होते हुए मोटर को चला गया ये, और मोटर हमारी चल पड़ेगी। फिर इसी तरह से तीसरी मंजिल पे होगा, ये फेस है यहाँ पे और ये स्विच ऑन करते ही यहाँ फेस पहुँचेगा और फेस ये मोटर को चला जाएगा। अब एक चीज़ इसमें ये देखने वाली बात है कि ये देखिए, यहाँ से ए तार फेस की जो है, ये स्विच के सारे ऊपरी वाले पॉइंटों पे लूप है और ऊपर वाले ही पॉइंट से सब इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट लूप हैं। मान लीजिए ये स्विच हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही फेस यहाँ पहुँचेगा और ये मोटर को चला जाएगा करंट, और ये तार चूँकि लूप है ये इंडिकेटर की तरफ भी फेस चला जाएगा, फिर इधर फेस आएगा, फिर इस इंडिकेटर के पास आ जाएगा, फिर यहाँ से लूप हो करके इधर से आ करके इस इंडिकेटर के पास आ जाएगा, और इन इंडिकेटरों में न्यूट्रल पहले से मौजूद है इसलिए तीनों इंडिकेटर ग्लो कर जाएंगे। इसी तरह से किसी भी स्विच से जब हम इसको ऑन करते हैं, फेस ये पहुँच जाता है और फेस ऊपर की तरफ भी जाएगा और साथ में इंडिकेटरों में जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा और इंडिकेशन मिल जाएगा। चूँकि ए फेस और ए फेस सेम फेस है, इसलिए अगर इन तीनों में से किसी भी एक, तीनों स्विच को भी अगर एक साथ ऑन कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और पूरी सर्किट जो है इधर ही बनेगी, फेस आएगा और साथ में न्यूट्रल आएगा और मोटर चल पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूरत पड़ने पर ऐसा कनेक्शन आप बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।